गाइस पानी हो चुका था ख़त्म गाड़ी में, तो वाइपर में तो मैंने भर लिया वाइपर, अब व्यू आएगा क्लियर। समरौली पहुँचे हैं जहाँ पे स्वीट्स शॉप्स हैं ज़्यादा, वहाँ पहुँचे हम। तो ये देखें गाइस, ये देखें ये नया ब्रिज जो ओपन हो चुका है, ये नया ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं हम। निकल रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता आगे, अपनी अपनी लाइन में जा रहे हैं आज। नहीं, ये दूसरी गाड़ी तो हमारी लाइन में आ रही है, हम तो अपने लाइन में हैं, बट वो वाली गाड़ियाँ इस लाइन से क्यों आ रही हैं समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता हम निकल रहे हैं। ये देखें गाइस, व्यू काफी जबरदस्त। फिर से शीशा हो चुका है खराब, फिर से मारते हैं थोड़ा पानी। निकल गया हम आहिस्ता आहिस्ता।
रखे होंगे, फोटो ऐसे खींचे खींच सकते हैं इसका रिमोट कंट्रोल के साथ हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं जोन ना, बाकी नहीं खाली फोटो खींच लेते हैं इनसे ना। हाँ इसके साथ तो समरोली में है, काफी डेंजर जगह में है इस वक्त हम, तो ऊपर देख सकते हो यहाँ पे ज्यादा टाइम रुकने का, जितना हम टाइम रुकेंगे उतना ज्यादा रिस्क, तो इस जगह से हमें जल्दी जल्दी निकलना है। तो थोड़ा हीटर ऑन कर लेते हैं, अंदर से थोड़ी सी डस्ट जैसी बन रही है, सबसे खतरनाक जगह है उधमपुर हाईवे चनैनी टू उधमपुर के बीच की सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ सिंगल वे बन चुका है इसलिए थोड़ी जैमिंग लग रही है यहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे काम है, थोड़ा 10-15 दिन का क्लियरेंस हो जाएगी। लास्ट टाइम भी बताया था काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग था, आज काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था 300-400 मीटर का एरिया जो पेंडिंग था, आज बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ा सा बचा है लास्ट कोई 50 मीटर का एरिया सिर्फ, तो ये भी फाइनली रोड कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा आज हमें ये देख के। तो जनवरी एंडिंग या एक महीने दो महीने के अंदर ये कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही गुड न्यूज़। तो देख सकते हैं आप, गाड़ियां नहीं करेंगे हम यहाँ पे, स्लिपरी रोड है तो यहाँ पे ओवरटेक करना रिस्क है बहुत ज्यादा। तो निकल रहे हैं हम, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो चुकी है पूरी, कीचड़ है तो शीशा हो रहा है खराब, तो मैं क्लीन करते जा रहा हूँ शीशे को तो ताकि व्यू आपको अच्छा आता रहे। प्लीज बस हमें सपोर्ट करें, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें। तो देख ही सकते हैं आप, जल्दी से 10K करा दो मेरे, केक कटेगा, केक काटेंगे फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो जा रहे हैं हम, ये देखें फिर से फोकस खराब हो रहा है, ये फोकस बन चुका है इस वक्त, फोकस पूरा रोड पे इस वक्त कैमरे का, मेरे मोबाइल का कीचड़ बहुत ज़्यादा है इस रोड पे। तो बारिश आ रही है आज, बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा नहीं है इतनी। निकलने हम आहिस्ता आहिस्ता, कमरोली ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर दिया गंदी वाली जगह जो थी। अब यहाँ से अच्छा रोड है आगे की तरफ, जम्मू भी जाना था हमने, बट लॉकडाउन की वजह से मैंने प्रोग्राम बनाया था कि सैटरडे को हम जम्मू जाएंगे, बट लॉकडाउन की वजह से अब नहीं जा पाऊँगा। फिर से फोकस हो चुका है खराब, शीशा खराब हो रहा है, बार बार कीचड़ बढ़ रहा है तो हमें बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। अगर पानी अभी तक एक ही लाइन में गाड़ियां चल रही हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, दोनों लाइन बनी है फिर भी एक ही लाइन में चल रही है गाड़ियां। अब आहिस्ता आहिस्ता ओवरटेक करेंगे, beep 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 beep।
ये गाइस ये निकले हम समरोली, क्रॉस कर दिए हमने, तो अब रोड कंडीशन काफी बेटर यहाँ पे, बट गाड़ियाँ एक ही लाइन में चल रही हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप से पता ना जाता है कैमरा। एक बार चार्ज करो पिन से, कितना टाइम लगेगा चलने में? एक दो घंटे फिर निकाल के रखने के बाद, फिर इसको सिर्फ अंदर ऐसे दो मिनट ऐसे लगा है, खाली सेकंड 10 सेकंड में फुल अंडर बटन है। ब्लूटूथ तो ना चलने का, ब्लूटूथ ही होगा, कुछ ना कुछ वाईफाई है, कुछ तो होगा। करीब पहुंचने वाले हैं हम, मोड़ कैंप के पास पहुंचने वाले हैं। मोड़ कैंप आ गया ना, ये मोड़ काट अभी, इसके बाद मोड़ कैंप आने वाला है। ये नाला, इस नाले का नाम है, पुल के नीचे जो नाला है काफी चढ़ जाता है, ये फ्लड भी आता है कभी कभी इस नाला में। मोड़ कैंप पहुंचे हम, व्यू देखें क्या मस्त आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है। तो निकल रहे हम आगे मोड़ कैंप से, ओवरटेक कर रहे हैं हम, तो ये कर दिया हमने ओवरटेक, तो पूरा उधमपुर तक अपडेट देना है।